गुड मॉर्निंग सेकंड ईयर। आइए नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम नए चैप्टर का नाम है गॉल्जी बॉडीज। ये चैप्टर्स जो अब हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम स्कूल लेवल पर पढ़ चुके हैं, बट ग्रेजुएशन लेवल में इन्हें हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा और डिटेल में पढ़ा जाएगा। चलिए हम बात करते हैं गॉल्जी बॉडीज के बारे में। तो गॉल्जी बॉडीज जो है बेसिकली ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील हैं। देखिए सेल ऑर्गेनील्स बेसिकली क्या होती हैं, सेल यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे और ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर जो खुद पर्टिकुलरली अपना खुद का एक स्पेशल फंक्शन करते हैं और सेल को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट डेवलप करके देते हैं या सेल की हेल्प करते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए। तो हम इन्हीं गॉल्जी बॉडीज या एक टाइप की सेल ऑर्गेनील है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील है, इसकी हम बात करेंगे। तो ये गॉल्जी बॉडीज है, इसकी जो डिस्कवरी थी ये एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम था कैमिलो गॉल्जी। इन्होंने ईयर 1898 में गॉल्जी बॉडी की डिस्कवरी की। अब देखिए ये जो गॉल्जी बॉडी स्ट्रक्चर है बेसिकली ये किन किन प्रकार की कोशिकाओं में या किन किन सिस्टम्स में इनकी एब्सेंट होती है, यानी ये किस किस में नहीं पाए जाते। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में मैच्योर सीड ट्यूब सेल्स जो होते हैं और जो मेल गैमिट्स हैं, इनके मेल गैमिट्स, कुछ प्लांट्स के मेल गैमिट जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं, टेरोफाइट्स हैं, इनके जो मेल गैमिट्स हैं, नर युग्मक जो होते हैं उनके अंदर गॉल्जी बॉडीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, गॉल्जी बॉडी एब्सेंट होती। अब देखिए अगले पॉइंट में देखें साइज की अगर हम बात करें तो ये जो गॉल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये गॉल्जी बॉडी का साइज या स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के सेल्स में या सेल किस टाइप का फंक्शन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग मेटाबॉलिक स्टेट के अकॉर्डिंग जो चयापचय की क्रिया होती है सेल्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यानी कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म स्टेट के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है गॉल्जी बॉडीज का ये चेंज होता रहता है। इनका जो नंबर है ये यंग सेल्स के अंदर ज्यादा होता है और जो एक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर भी इनकी जो अवेलेबिलिटी है, इनका जो नंबर है वो ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि भाई जो यंग सेल्स हैं या जो एक्टिव सेल्स हैं, एक्टिव सेल्स कौन से जो ज्यादा काम में आते हैं, जैसे कि जो फ्लाइट मसल्स के सेल्स होते हैं इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के, जैसे मसल्स जो होती हैं पक्षियों के पंख की या फिर छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनके जो पंख होते हैं उनकी जो मसल्स होती हैं उन पंखों को काम करने के लिए हेल्प करती मसल्स, वो बहुत फास्टली वर्क करती हैं, बहुत एक्टिवली वर्क करती हैं, तो उनको ज्यादा गॉल्जी बॉडीज की आवश्यकता है। तो गॉल्जी बॉडीज की संख्या, इनके अंदर नंबर ऑफ गॉल्जी बॉडीज उन सेल्स में ज्यादा पाई जाएगी। ये जो गॉल्जी बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी इसके स्ट्रक्चर में एक ही मेम्ब्रेन की अवेलेबिलिटी होती है, चारों तरफ से एक ही मेम्ब्रेन से कवर रहता है। देखिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें दो साइड हमें दिखाई दे रही है। एक तो इसका कॉनकेव स्ट्रक्चर, कॉनकेव स्ट्रक्चर यानी कि सी की अंदर वाली साइड, जैसे ये सी है इसकी ये अंदर वाली साइड है, तो ये वाली जो साइड है इसे मैच्योरिंग फेस या एम फेस कहा जाता है। इसी के अपोजिट सी की जो अपोजिट साइड है, ये वाली जो साइड है इसे कॉन्वेक्स साइड कहा जाता है, इसे फॉर्मिंग फेस या एफ फेस कहा जाएगा। अब देखिए ये जो मैच्योरिंग फेस है इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स की अवेलेबिलिटी होती है, जैसे कि साइड में से इसमें सीक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, यही सीक्रेटरी वेसिकल्स आगे चल के वैक्यूल यानी कि गॉल्जियन वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। और इसमें छोटे छोटे और भी स्पेसेस स्ट्रक्चर्स की अवेलेबिलिटी होती है जिसे सिस्टर्ने कहा जाता है। इन सिस्टर्ने के बीच में जो स्पेस पाई जाती है इसे इंटर सिस्टर्नल स्पेस कहा जाता है। इसी तरीके से जो फॉर्मिंग फेस या एफ फेस होता है वहां पर सीक्रेटरी वेसिकल्स की तरीके से ट्रांजिशन वेसिकल्स की अवेलेबिलिटी होती है, छोटे छोटे ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें ट्रांजिशन वेसिकल्स कहा जाता है, सैक्यूल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे सिस्टर्नल मेम्ब्रेन हम देख पा रहे हैं, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन मतलब कि अगर सिस्टर्नल मेम्ब्रेन जो है वो एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह पे आके फोल्ड होके वापस से रिपीट होकर अपनी जगह पर आती है, यानी कि हमें देखने में लगता है कि डबल मेम्ब्रेन बन रही है पर ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका गॉल्जी बॉडी अपैरेटस का। इस गॉल्जी बॉडी को गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी अपैरेटस या गॉल्जी स्ट्रक्चर या गॉल्जी गॉल्जी भी कहा जाता है सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अब देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें,
ये जो हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में स्ट्रक्चर देखा है, अब इसमें हमें तीन बेसिक चीजें पता चल रही हैं। एक इसके अंदर पाया जाता है सिस्टर्ने, सिस्टर्ने के बाद में यहाँ पे वैक्यूल्स की अवेलेबिलिटी है जिन्हें गॉल्जियन वैक्यूल्स कहा जाता है, और तीसरा इसमें मेजर स्ट्रक्चर है जिसे वेसिकल कहा जाएगा। अब देखिए जो ये सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने ये जो स्ट्रक्चर है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लैट स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज रहते हैं, वन अबाउट अनादर इनकी अवेलेबिलिटी होती है। सारे जो सिस्टर्ने होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि देखिए हर सिस्टर्ने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सिस्टर्ने कहलाता है और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अवेलेबल है इसका। अब ये जो सिस्टर्ने है इसकी जो चौड़ाई है इसको हम देखें, यानी कि जो विड्थ है इसकी, ये जो विड्थ है ये लगभग होती है 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। दो सिस्टर्ने के बीच में जो स्पेस है, यानी कि ये जो इंटर सिस्टर्नल स्पेस है इसकी भी एक पर्टिकुलर एक निश्चित चौड़ाई होती है, लगभग 20-30 नैनोमीटर या फिर 200-300 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी चौड़ाई अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं हम वैक्यूल या गॉल्जियन वैक्यूल्स की। ये जो वैक्यूल्स हैं ये बेसिकली थोड़े से लार्ज राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है और ये अवेलेबल होते हैं जो एम फेज है, यानी कि मैच्योरेशन मैच्योरिंग फेज जो होता है गॉल्जी बॉडी का, वहां पर इसकी अवेलेबिलिटी होती है। और इनका फॉर्मेशन जनरली सीक्रेटरी वेसिकल्स की वजह से होता है, बहुत सारे सीक्रेटरी वेसिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी जो वॉल है वो आपस में फ्यूज हो जाती है और फॉर्मेशन होता है गॉल्जियन वैक्यूल का। इसी तरीके से हम बात करते हैं वेसिकल्स के बारे में। देखिए वेसिकल्स जो है वो दो टाइप की वेसिकल्स अवेलेबल है हम देख पा रहे हैं, एक है ट्रांजिशन वेसिकल और एक है सीक्रेटरी वेसिकल्स। तो इन्हीं को हमने यहाँ पे कंपेयर करके कुछ पॉइंट वाइज डेटा में यहाँ पे शो किया है। तो देखिए वेसिकल जो है, जैसा हमने बात करी ट्रांजिशन वेसिकल है, सीक्रेटरी वेसिकल दो टाइप के होते हैं। तो जो ट्रांजिशन वेसिकल है इसकी अवेलेबिलिटी है एफ फेस, यानी कि जो फॉर्मेशन फेस है, फॉर्मिंग फेस जो होता है गॉल्जी बॉडी का, वहां पे इसकी अवेलेबिलिटी है। इनकी जो ट्रांजिशन वेसिकल्स है इनकी जो अवेलेबिलिटी है पोजिशन या लोकेशन की हम बात करें, तो ये पाए जाते हैं कहां, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गॉल्जी सिस्टर्ने जो है, यानी कि गॉल्जी सिस्टर्ने और यहाँ कहीं पे अवेलेबल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इनके बीच में ट्रांजिशन वेसिकल पाए जाते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, तो यानी कि ये ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर है, उनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 400-800 एंगस्ट्रॉम के आसपास इनकी गोलाई होती है। सॉरी इसी तरीके से हम बात करते हैं सीक्रेटरी वेसिकल्स की। सीक्रेटरी वेसिकल्स अवेलेबल होते हैं एम फेज पे, यानी कि मैच्योरिंग फेज पे, जैसा हम स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और ये इस तरीके से ऐसा लगता है कि सिस्टर्ने के साइड में से किसी ने बाहर इस तरीके से इसको खींच के हल्का सा पिंच करके इसको बाहर की तरफ निकाल दिया, तो यहाँ पे ये पिंच स्ट्रक्चर है और ये गॉल्जी सिस्टर्ने के एंड पे से इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अगले पॉइंट में हम देखें कि ये जो गॉल्जी सीक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिनमें कि गॉल्जी के थ्रू सीक्रेट किए हुए मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होती है, और इनका जो फॉर्मेशन होता है ये जनरली इस तरीके से होता है कि जो ये सिस्टर्ने होते हैं ये एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड होते होते अपने साइड में से एक पेज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन सीक्रेटरी वेसिकल के रूप में कर देते हैं। इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस की अवेलेबिलिटी होती है जिसमें कुछ मटेरियल अवेलेबल होता है, सीक्रेटरी मटेरियल जो कि गॉल्जी बॉडी से निकला है उसकी अवेलेबिलिटी होती है, वो उसमें भरा रहता है। अगले पॉइंट में देखिए यही जो सीक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं ये कुछ समय के बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं लाइसोसोम के अंदर या फिर जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं इस गॉल्जी बॉडी के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो केमिकल कंपोजिशन में हम देखें कि यहाँ इसमें तीन बेसिक मटेरियल पाए जाते हैं, एक इसके अंदर मिलता है फॉस्फोलिपिड, दूसरे इसमें एंजाइम्स पाई जाती हैं, और थर्ड मटेरियल इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अवेलेबल होता है। फॉस्फोलिपिड्स अलग अलग टाइप के अवेलेबल इसमें होते हैं। हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में डिटेल के अंदर। देखिए एंजाइम्स यहाँ पे बहुत टाइप की एंजाइम्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ADPS, ATPS, CTPS, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, थायमिन फॉस्फेटेज एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर में अवेलेबल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में यहाँ पे ग्लूकोसमीन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, फ्यूकोज, इनकी अवेलेबिलिटी होती है। और ये जो मटेरियल्स अभी मैंने आपको बताया ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में कॉमन होते हैं। अब देखिए दो मटेरियल्स और हैं, एक
जाइलोर और एक एरिनोस, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, जो कि गोल्जी बॉडी जो कि प्लांट सेल्स में अवेलेबल है उसी में इसकी अवेलेबिलिटी होगी। चलिए लास्ट में अब हम फंक्शंस की बात करते हैं गोल्जी बॉडी के। तो पहला फंक्शन हमें ये बताता है कि गोल्जी बॉडी वो है, वो जो स्ट्रक्चर है ये सेल सीक्रेशन में अपना मेजर रोल प्ले करती है, यानी कि सेल के थ्रू कुछ पर्टिकुलर मटेरियल के फॉर्मेशन में साफ करने के लिए इनकी अवेलेबिलिटी होती है, सीक्रेट करने में इनकी हेल्प करती है। किस किस मटेरियल का ये सीक्रेशन करती है, जैसे कि प्रोटीन्स है, मेटाबोलाइट्स है, पॉलीसेकेराइड्स है। चलिए अगले पॉइंट में देखें, ये जो गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर है ये सेल डिवीजन के टाइम पे जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस चलता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव है उसका जब विभाजन हो रहा होता है प्लांट सेल्स के अंदर, तो वहां पे सेल प्लेट फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन का ये मेजर रोल प्ले करती है। अगले पॉइंट में देखिए, ये जो सीक्रीशन होता है कुछ मटेरियल्स का सेल्स के अंदर या गोल्जी बॉडीज के थ्रू या सेल्स के थ्रू, तो उन मटेरियल्स को ये अपने अंदर स्टोर करती है और स्टोर करते करते उनकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को अपने अंदर इकट्ठा करके समाहित करके रखती है। तो ये कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज का भी काम करती है सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स के। अगले बार में देखिए, गोल्जी बॉडीज जो होती हैं ये पर्टिकुलरली क्या करती हैं कि थोड़े थोड़े समय के बाद में बहुत सारी गोल्जी बॉडीज आपस में फ्यूज होती रहती हैं, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज होती रहती है। किस समय पे इनकी जो वॉल है ये आपस में फ्यूज होती रहती है और फाइनली क्या बनाती है, एक नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देती है टेलोफेज के समय। चलिए अगले पॉइंट में देखें, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि ये लाइजोसोम और वैक्यूल्स के फॉर्मेशन में भी अपना मेजर रोल प्ले करती है। और लास्ट पॉइंट इसका ये हमें बता रहा है कि स्पर्म सेल्स में जो स्पर्म का हेड रीजन होता है उसका जो टिप पॉइंट है वहां पर एक एरिया होता है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम अवेलेबल होती है जिसे हाइलुरोनाइडेज एंजाइम कहा जाता है। तो उस एक्रोसोम एरिया का फॉर्मेशन स्पर्म सेल्स में यही गोल्जी बॉडीज करती है। तो यहां हमने आज स्टडी किया डिटेल में गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।